जैसे भागलपुर, मुंगेर, बांका, नौगछिया, मुजफ्फरपुर, इन जिलों में काफ़ी अधिक संख्या में बाहरी मुख्यालय से बलों के अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति की गई है, जिसमें करीब 3,000 हमारे रेगुलर पुलिस के बल शामिल हैं, जिसमें पुलिस पदाधिकारी और कर्मी शामिल हैं अलग से। उसके अलावा करीब 3,000 होमगार्ड के जवानों को भी इस विधि व्यवस्था और सुरक्षा के कामों के लिए लगाया गया। इसमें महिला पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा अश्वारोही दल, टीयर गैस और बाकी जो पुलिस के इंतजामात होते हैं उसकी भी व्यवस्था की गई। रेलों में जो हमारा कांवड़ियों का मूवमेंट और एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो भीड़ होती है उसको देखते हुए रेल जिला पुलिस को भी अतिरिक्त बल उपलब्ध कराया गया। खासकर जमालपुर रेल जिला को अतिरिक्त बल उपलब्ध कराया गया। सबसे ज़्यादा भीड़ वहीं पर होती है। जिलों में जो इसके अलावा अंदरूनी बल उपलब्ध है उससे उस जिले के जो मुख्य मंदिर हैं जहाँ पर ये श्रावणी मेला चलेगा उसका डेपुटेशन किया गया है, और जो अतिरिक्त BSF के बल हैं उनको भी डेपुटेशन किया गया है। ये पूरा का पूरा डेपुटेशन 1 माह से ऊपर चलेगा। पूरे श्रावणी माह में तो इसकी ज़रूरत रहती है। उसके आगे जो महीना है उसमें भी लोग आप जल चढ़ाने जाते हैं, हालांकि उनकी संख्या काफ़ी कम हो जाती है। तो आप मान के चलिए कम से कम 40-45 दिन बलों की प्रतिनियुक्ति हम लोग करेंगे, और आवश्यकता होने पर और बलों को उपलब्ध कराया जाएगा। हम लोगों की प्राथमिकता है भीड़ का नियंत्रण करना, कांवड़ियों की सुरक्षा प्रदान करना, पूरे जो ये श्रद्धालुओं की जो पूरी यात्रा है उसके दौरान सुरक्षित यात्रा प्रदान करना। जगह जगह पुलिस के कैंप लगाए जाएंगे, पुलिस का बूथ बनाया जाएगा, कई स्थानों पर पुलिस की हेल्पलाइन बूथ भी बनाया जा रहा है, जिसपे कोई भी दिक्कत आने पर कांवड़िया जो जा रहे हैं, यात्री श्रद्धालु जो भी जा रहे हैं वो उस पर कॉन्टैक्ट करें। कुल मिला के बेहतर सुरक्षा व्यवस्था, बेहतर विधि व्यवस्था और बेहतर प्रबंधन की तरफ हम लोग अग्रसर हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।